62वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारे बीच में जो तीन राज्यों को देख रहे हैं और मुख्यतः आज अब वो राजस्थान में हैं और आज दलित प्रेरणा केंद्र पर आए हमारे बीच में आदरणीय और कैबिनेट मंत्री रहे हैं धर्मवीर अशोक जी। सर आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें संदेश ये देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें एक दिशा दी है उस दिशा पर हम अमल करें और वो दिशा है पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। हमें इस मास्टर की को अपने हाथ में लेना है और उसके लिए बहन मायावती जी रात दिन बाबा साहब के रास्ते पर चलकर इस की को दिलाने का काम कर रही हैं। जो उत्तर प्रदेश में अगर 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो आज हम जहां खड़े हैं ये उसकी देन है। अगर मुख्यमंत्री ना बनी होती तो ये प्रेरणा केंद्र ना बना होता। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो ये सब समाज में जो हम परिवर्तन ला सकते हैं, जो ये अंधविश्वास से छुटकारा पा सकते हैं, जो मनुवादियों के रास्ते से बच सकते हैं, हम इस राजनीति के माध्यम से ही बच सकते हैं। आज हम यहाँ से यही प्रेरणा लेकर के जाएं बाबा साहब से कि आने वाले समय में हम तुम्हारी उस बात को पूरा करेंगे और 2019 में हम इस देश में परिवर्तन ला करके रहेंगे। सर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे निकाय चुनाव हुए हैं, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? बात बढ़ रही है, इतना संतुष्ट हूँ और ये बढ़ते बढ़ते पूरे देश में फैलेगी। एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर और ये केंद्र के अंदर जैसा एक माहौल चल रहा है, उस माहौल के तहत एक बसपा की उम्मीद की जाती है कि वो एक फर्स्ट नंबर की पार्टी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला आप कह रहे हैं कि जो आगे बढ़ रही है। जी हाँ, जो 2017 के चुनाव में इन्होंने EVM में गड़बड़ी की थी, इसमें भी प्रयास किया गया है, बहुत प्रयास किया है। उसके बाद भी हम इतने ज़्यादा वोटिंग कर पाए कि जिसकी वजह से ये 2 सीट हम जीते, वरना तो झांसी इन्होंने हमारी बेईमानी से हराई है, सहारनपुर बेईमानी से हराई है और ऐसे ही अन्य EVM में आज भी गड़बड़ी हुई है। इसको हम दूर कराने के लिए संघर्ष करेंगे। सर अभी 5 जगह देखा गया कि एक ही एक रेशो था 12,700 कुछ का, तो वो एक 12,784 का रेशो था एक ही जगह, और मतलब वही अब जो रेशो आया है वो सर एक ही जगह आया, तो इसमें आप क्या मानते हैं? ये तो अब आप ही जानो, हम क्या बताएं। जब आपका सवाल है तो आप जानते हैं 12,784 4 जगह एक जैसा कैसे आ गया, ये तो आप जानते हैं ना, तो बेईमानी हुई है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को? हम ये देना चाहते हैं कि इतने तैयार हों कि इनको हम 50% से ज़्यादा वोट ला करके हर जगह मारें। ये संदेश देना चाहते हैं।